जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका एक लेक्चर हुआ है, तो हम उसके आगे देखते हैं कि मैट्रिसेस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसी का अगला टॉपिक है फर्स्ट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, जब डायगोनल एलिमेंट के नीचे की सारी एंट्री जीरो हो तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर की सारी एंट्री जीरो हो उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कैसे देखेंगे, ये क्या है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ये एलिमेंट क्या था ए टू वन, ये एलिमेंट क्या था ए थ्री वन, ये है ए थ्री टू, इधर है ए थ्री थ्री। तो यहां पर देखिए, इन तीनों एंट्री में खास बात यह है कि यहां पर क्या है, नंबर ऑफ जो रो की डिजिट है वो क्या है, कॉलम से बड़ी है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, व्हेन जे इज इक्वल टू लेस देन आई। जब भी रो जो है रो का बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, और ये नॉट इक्वल टू जीरो when j is greater than or equal to i। यहां पर देखिए, कॉलम की एंट्री, कॉलम का जो वो है नोटेशन, वो रो के नोटेशन से क्या है, बड़ा है। ये थ्री है, ये क्या है टू, तो ये क्या हो रहा है, नॉट जीरो। जब ऐसा हो तो बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक इसी का रिवर्स, यहां पर क्या कर देंगे, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन जे इज ग्रेटर देन आई, आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। जब भी डायगोनल एलिमेंट के, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देखिए। सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग को ही प्रिंसिपल डायगोनल
एलिमेंट्स। जब ए या तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो दो ही टाइप का हो सकता है, या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। तो ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या ये कहिए कि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आपको हम बता रखे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हो या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है या ए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है, इसका क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट। उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे इसका एक एग्जांपल, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमें क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जैसे जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये एक मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1, 2, 3 है, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6, यही आपका आंसर है। और चाहें तो आप निकाल सकते हैं ओपन करके, जैसे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना आपको बताए हैं वैसे आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बराबर हो, ठीक है, इक्वल हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे 1, 2, 2 3, इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 2। ये अगर ए है तो ए का ट्रांसपोज ये है, और जो दोनों मैट्रिक्स का इक्वल, मैट्रिक्स के इक्वल में आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। A11 के बराबर हो, A12 के बराबर हो, A21 के बराबर हो, A22 के बराबर हो। अगर ऐसा है तभी हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इक्वल। तो जब ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी ही आपको ध्यान में रखनी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जब ए और ए ट्रांसपोज इक्वल तो हैं लेकिन विद माइनस साइन, ठीक है, या इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब ए में ए ट्रांसपोज को ऐड किया जाए तो नल मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा, इन डिफिनीशन को याद करके ही हम जो है
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा एक मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होता है जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी खास बात क्या होती है वो जान लीजिए। ए इंटू ए ट्रांसपोज इसकी खास बात यह होती है, यहां पर लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? पहली प्रॉपर्टी यह है कि इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिटी। यूनिटी का मतलब प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है, केवल प्लस वन ही नहीं समझना है। लेकिन अगर इसका रिवर्स है कि अगर एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसका कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट वन है तो क्या जरूरी वो ऑर्थोगोनल हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहीं पर स्टेटमेंट लिख लीजिए कि क्या स्टेटमेंट है, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट यूनिटी बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा प्लस माइनस वन हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वन है तो ये कोई जरूरी नहीं होगा कि वो ऑर्थोगोनल है। बात समझ में आ गई? मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वन होगा लेकिन अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू वन है तो जरूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल हो ही, ठीक। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आयोटा होती है, वो सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन से उसको कंपेयर करूं तो क्या निकल कर आएगी दूसरी प्रॉपर्टी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो इनवर्स होता है वो ट्रांसपोज के बराबर होता है। इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये दो प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए इज ऑर्थोगोनल एंड बी इज ऑर्थोगोनल देन ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। अगर ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। सम ऑर्थोगोनल हो ये जरूरी नहीं है लेकिन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, ये काम आएंगी। एक चीज बताना भूल गए थे उसको भी वो वहीं पर बता देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एक मैट्रिक्स है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, जहां पर ये वाला पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, ये प्रॉपर्टी हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़कर लिख सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जब सम करेंगे तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। थर्ड पॉइंट, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस बी वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट फोर्थ प्रॉपर्टीज, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए बी एंड बी ए मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिमेट्रिक होगा, ये बात 100% ट्रू है, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक हो ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो जब स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा ट्रू या फॉल्स देखने के लिए तो ये प्रॉपर्टीज आपको काम आएंगी, ये प्रॉपर्टीज याद रखना है। ठीक है, चलिए आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आइडमपोटेंट है, दूसरा है इनवोल्यूटरी। और तीसरा है निलपोटेंट। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इन्वोल्यूटरी में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई और निलपोटेंट में ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स।
आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाता है, उसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट। इन्वोल्यूटरी में वो होता है जिसमें मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। और निलपोटेंट वो होता है जिसमें मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब जीरो मिल जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये दीज आर टाइप्स ऑफ, यहां पर आगे ऊपर लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के टाइप, तो ए अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं कुछ इस तरीके से, जहां पर आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस आई फोर, वन माइनस आई। ठीक, और पूछा जाए इसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो ए की पावर, ए की ऊपर एक लाइन लगा देंगे, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए या कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसमें कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, तो कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, थ्री फोर, थ्री माइनस आयोटा और वन प्लस आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है, ये कहिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, बात एक ही है। ठीक, इनको क्यों पढ़ रहे हैं वो जान लीजिए। अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूं, ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स दिया है उसका मैंने क्या निकाला, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और फिर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आया उसका मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज। इसको डिनोट करते हैं ए की पावर थीटा से, तो ए की पावर थीटा क्या होता है, पहले हमने कॉन्जुगेट लिया फिर उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज, या ऐसे भी लिख सकते हैं पहले ट्रांसपोज ले लीजिए फिर उसको क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेट, बात एक ही है। ठीक, तो ए की पावर थीटा इसका क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री, थ्री माइनस आए फोर, वन प्लस आए। ठीक, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का टाइप है। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होता है जहां पर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो इक्वल हो जाए। ए थीटा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए। जिस भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं अगर वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वल तभी होंगे व्हेन डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल।
ये इसकी प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगी, 3 प्लस आई 4 चलिए अभी आगे देख लेते हैं उनको। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होता है जहां पर ए इज इक्वल टू ए थीटा हो जाए, और इसी का एक दूसरा मैट्रिक्स होता है जैसे सिमेट्रिक का इसको होता है स्क्यू सिमेट्रिक, वैसे ही हर्मिशियन मैट्रिक्स का होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा, जहां पर ए इज इक्वल टू माइनस ए थीटा हो। और ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है एक देखते हैं ए ए इज इक्वल टू ए थीटा, और एक देखते हैं ए प्लस ए थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अगर ए है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका एलिमेंट मान लेते हैं, तो ए थीटा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई होगा या नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब कि आई वाई इज इक्वल टू जीरो। आई वाई इज इक्वल टू जीरो इसका क्या मतलब है कि इमेजिनरी टर्म इसमें है ही नहीं। अगर आई वाई जीरो हो गया तो कौन सा टर्म खाली बचेगा, रियल। इसी वजह से ये लिखा गया है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। यहां पर देख लीजिए एक्स प्लस आई वाई और इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई, ये जीरो हैं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स यहां पर प्रॉपर्टी क्या बनेगी कि डायगोनल एलिमेंट्स आर आइदर जीरो, या तो जीरो होंगे या प्योर इमेजिनरी होंगे। जहां पर x जीरो हो जाएगा वहां पर कौन सा टर्म खाली बचेगा, आयोटा वाई। आयोटा वाई क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योर इमेजिनरी नंबर जिसमें रियल पार्ट ना हो। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो होते हैं या प्योर इमेजिनरी होते हैं, जबकि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, या तो रियल होंगे या जीरो होंगे। ठीक है, वहां पर इमेजिनरी टर्म नहीं आएगा। ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, जैसे वहां पर था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, वैसे यहां पर किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकेगा। जहां पर ए प्लस ए थीटा ये वाला टर्म होगा हर्मिशियन और ये वाला टर्म होगा स्क्यू हर्मिशियन। तो हमने वहां पर तीन मैट्रिक्स देखे थे, सिमेट्रिक
स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। वैसे यहाँ पर तीन देखेंगे, हर्मीसन, स्क्यू हर्मीसन और एक लास्ट में यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स वो होता है जहां पर ए और ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वो दोनों दोनों आयोटा बन जाए, ये कंडीशन है। वही कंडीशन यहां पर लगाइए जो वहां पर लगाए थे ऑर्थोगोनल में। ऑर्थोगोनल में क्या कह रहे थे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, वन यूनिटी, तो सेम चीज यहां पर हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगी कि यूनिटरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, यूनिटी। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, अगर किसी का डिटर्मिनेंट यूनिटी है तो उसका अपोजिट मतलब वो मैट्रिक्स यूनिटरी हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी। ठीक, चलिए अब बारी बारी से सबकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो ट्रांसपोज पहली प्रॉपर्टी यह है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज क्या था, रो को कॉलम में बदलना। जब हम एक बार रो को कॉलम में बदल लिए वापस से कॉलम को रो में बदल देंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो याद रखनी है आपको, के इंटू ए ट्रांसपोज। के क्या है, एक स्केलर है, स्केलर मतलब कोई नंबर हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई किए तो बात एक ही है, मैट्रिक्स से उसको क्या हो जाएगा, उसे स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सम में देखा जाए तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली यहीं पर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं तो फिर क्या होगा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट सेम मैट्रिक्स हो जाएगा। के और मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, फिर उसका कॉन्जुगेट लिए तो के कॉन्जुगेट इंटू ए, के एक स्केलर है। थर्ड ए बी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बी कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट। फोर्थ सेम प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब भी हमारे कंपटीशन में न्यूमेरिकल इसके आएंगे सॉल्व करने के, तो हमें प्रॉपर्टी के साथ ही उसको सोल्यूशन देखना है ताकि हमें सॉल्व करना आसान हो जाए, आंसर जल्दी से आए क्योंकि वहां पर टाइम कम होता है। चलिए नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इनवर्स को डिनोट करते हैं इससे, और इनवर्स होता है
एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। ये तभी पॉसिबल है जब मैंने बताया था आपको कंडीशन कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ऐसे मैट्रिक्स को जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा कि हमेशा इनवर्स उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा जो मैट्रिक्स क्या होगा नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक। इसमें दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज का इनवर्स, इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज का इनवर्स, ये पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा। दूसरा, इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का इनवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। और फोर्थ, ए इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम का इनवर्स। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक। ये प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको, इसके बिना काम नहीं चलना, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्या बताया है ट्रेस का मतलब, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। जो भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे उनको क्या कर देंगे, सम। इसकी प्रॉपर्टीज, ट्रेस ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ ए, जहां पर लेमडा क्या है, स्केलर है। जैसे कहा जाए ट्रेस ऑफ 2a निकालिए, इसका क्या मतलब है कि 2 को सभी एलिमेंट से क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए। ठीक। सेकंड, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक। दो मैट्रिक्स के सम का जो ट्रेस होता है वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रेस के सम के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड, ट्रेस ऑफ ए बी
इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इनटू ट्रेस ऑफ बी। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का जो मैट्रिक्स आया उसका ट्रेस दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रेस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, तो अगर मैं इसको समराइज करूं पूरे लेक्चर को, कि हमने मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज और टाइप्स में क्या क्या पढ़ा, तो क्या बताएंगे? मैट्रिक्स का हमने टाइप पढ़ा एक रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बाद क्या पढ़ा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स, फिर नल मैट्रिक्स, फिर पीरियोडिक मैट्रिक्स, फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर के दो टाइप पढ़े, एक अपर दूसरा लोअर। ट्वेल्थ नंबर में हमने पढ़ा रियल मैट्रिक्स के टाइप, टाइप्स ऑफ रियल मैट्रिक्स। और रियल मैट्रिक्स के टाइप में हमने तीन मैट्रिक्स पढ़े, एक सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और तीसरा पढ़ा ऑर्थोगोनल। फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के टाइप और उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स, फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और तीसरा यूनिटरी मैट्रिक्स। इनके अलावा ये तो हुए मैट्रिक्स के टाइप, इसके अलावा तीन चीजें और पढ़ी, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर पढ़ा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर पढ़ा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक, एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, इनवर्स में एक चीज आपको और बतानी थी, यहां पर हेडिंग डाल लीजिए शॉर्टकट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स। अगर कोई 2x2 का एलिमेंट दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, 2x2 का मतलब उसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं, अगर पूछा जाए कि इसका इनवर्स निकालिए, तो इसका इनवर्स क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, इन दोनों एलिमेंट को चेंज कर दीजिए, तो डी को चेंज कर दीजिए ए से, इंटरचेंज कर दीजिए और इन दोनों के साइन रिवर्स कर दीजिए, ठीक, साथ में इसका डिटर्मिनेंट से भाग कर दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ए डी माइनस बी सी, ये आपका ए इनवर्स। इसका शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है, इसमें सॉल्व नहीं करने लग जाना है, सॉल्व करने का तरीका वही है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो हमें जो है इसका शॉर्टकट याद रखना है, अगर 2x2 है तो डायगनल प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और जो बचे हुए डायगनल के एलिमेंट उनको क्या कर देंगे, साइन रिवर्स कर देंगे उनका, उनको इंटरचेंज नहीं करेंगे, तो हमने साइन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक, ये शॉर्टकट मेथड याद रखिएगा। तो मैट्रिक्स का जिसे कहते हैं टर्मिनोलॉजी और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो सारा आपने जो है देख लिया। ठीक, अब इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें बतानी थी, वो भी नोट कर लीजिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ प्रिंसिपल मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, तो उसको लिखते हैं एडजॉइंट तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज ले लिए तो एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी ये है, क्या है एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, और ए इनटू ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो ए इनवर्स की वैल्यू यहां पर लाकर रख दीजिए, तो ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे गॉस जॉर्डन मेथड और एलिमेंट्री ऑपरेशन, और साथ में पढ़ेंगे कि इनवर्स उससे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।